अध्याय 33 मंत्र संख्या 11। ओम आयत ईशे नृपतिम तेज आनट सुचिरे तो निशिक्तम द्यो अभी के अग्नि श्रद्धम अन्वद्यम युवानम स्वाध्यम जनयत सूदयत च। मंत्रार्थ, यत जो तेज तेज इशे गति इच्छा के लिए नरपतिम नरो नायको प्रेरकों के अधिपति को सुचि पवित्र रेतो गति ज्ञान निशिक्तिम अभिषिक्त दियो प्रकाश अभिके निकट असमता सम्यक आनट चेतन प्राणवान करें अग्नि प्रगतिशील अग्रण ने श्रद्धम विजय को अनवद्यम अनिंदित निर्दोष युवानम मिलनशील को स्वाद्यम उत्तम मध्यन को जनियत उत्पन्न करता है च और सूदियत सिंचन वर्षा करता है। भावार्थ, इस धातु का अर्थ इच्छा करना गति करना है। गति अर्थ वाली धातुओं को ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में भी माना जाता है। अतः इसे पद का अर्थ ज्ञान के लिए इच्छा के लिए हो सकता है। नरप्रतिम अर्थात नरों के अधिपति रक्षक पालक को तेज चेतना प्राण हो। आनट पद को अन चेतन होना प्राण होना धातु से निष्पन्न माना गया है। आ यत इशे नृपतिम तेज आनट का अर्थ हुआ जो तेज नृपति को ईश के लिए चेतन करे प्राणवान करे। आ आनट का भावार्थ व्याप्त करे भी किया गया है जो उचित है। री धातु का अर्थ गति करना है। अतः रेत पद का अर्थ ज्ञान गमन प्राप्ति है जो तेज नृपति को ईश के लिए चेतन करे प्राणवान करे। वह शुचि रेत निषिक्त होने के साथ ही द्यो अभिके अर्थात द्यो के निकट है। अग्नि ने शर्ग अनवद्य युवा स्वाध्याय को उत्पन्न किया तथा शूदन अर्थात क्षरित किया। श्रग धातु का अर्थ आद्र होना मुस्कुराना सहन करना उत्साह होना जीतना है। सर्द का भावार्थ इसी अर्थ में बल भी किया गया है। अनवद्य अर्थात अन अवद्य ना बोलने योग्य नहीं अर्थात बोलने कहने योग्य प्रशंसनीय। शूद शूद धातु का अर्थ छरना टपकना झरना झड़ी लगना है। बहुधा यहाँ सूदयत का भावार्थ वर्षा भी किया गया है। निरुक्त तेज तेज धातु पालन रक्षा करना तेज होना चमकना तिज का अर्थ प्रभाव होना चमकना तीक्ष्ण करना। इसे में इस धातु इच्छा करना जाना निरंतर देखना। नृपतिम में निर धातु ले जाना पत ऐश्वर्य होना गति करना। आनट में आ उपसर्ग नट का अर्थ गति करना कंपन करना नाट्य करना नृत्य करना। अन का अर्थ चेतन होना प्राण होना। सूचि का अर्थ सूचि में सूच धातु शुद्ध होना पवित्र होना। रेतो में री का अर्थ जाना निषिक्तिम में नि उपसर्ग सिंच सिंच धातु सेचन करना। द्यो द्यु धातु आगे जाना समीप आना। द्युत का अर्थ दीप्त होना प्रकाशित होना। अग्नि में अग्रणी होना गति करना। शरदम में श्रद्ध सहन करना जीतना। अनवद्यम अनुपसर्ग अउपसर्ग वदकार्थ बोलना कहना। युवानम में युकार्थ मिलाना अलग करना बंधन करना। स्वाद्यम में सुउपसर्ग अधि उपसर्ग इकार्थ जाना अधि इकार्थ अध्ययन करना। जनियत में जन का अर्थ उत्पन्न करना। सूदियत में सूद का अर्थ सूदियत में सूद का टपकना झरना आश्रय करना शुद्ध करना पवित्र करना। ओम खम गण रिकॉर्डिंग ऑन है तो ठीक है जी स्वामी जी। रिकॉर्डिंग ऑन है।
यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र एकादशा हो। ॐ आयत ईशे नृपतिम तेजयानट सुचिरेतो निषिक्तम द्यो अभीके अग्निः सर्धम अनेवाद्यम युवानम स्वाध्यम जनयत सूदयच्च। आयत इसे का उपसर्ग है सम्यक समन्तात् यत् जो सर्वनाम इसे इस धातु का अर्थ गति करना है और इच्छा करना भी है। इसे चतुर्थी है गति और इच्छा के लिए, कह सकते हैं इसके लिए गति और इच्छा के लिए। जो इच्छा के लिए नृपति, नृपति को, नरों के अधिपति को निर्धात पाठ ले जाना, ले जाने वालों के अधिपति को जो समाज के मार्गदर्शक हैं, लोगों को प्रेरित करके सन्मार्ग पर ले जाने वाले हैं, उनका भी जो अधिपति है उसको। देखिए नृपति का भाव स्पष्ट रूप से यहाँ परमेश्वर तो स्पष्ट हो ही रहा है, और समाज के जो अग्रणी मार्गदर्शक हैं उनको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। नृपति तेज आनट, तेज तेज हम सब जानते हैं, तेज धातु है और तेज शब्द से हम लोग परिचित हैं। आनट में अन धातु ग्रहण करें तो अन का अर्थ होता है प्राण होना, जीवन होना, श्वास लेना। चेतन प्राणवान करे ऐसा अर्थ किया गया है। आ उपसर्ग माने तो नट का अर्थ नाट्य करना, नृत्य करना, गति करना तो है ही, ये भी एक प्रकार की गति है, नर्तन करना, नृत्य करना, कंपन करना, गति करना, अर्थ तो उसमें वही भी है। सामान्यता चेतन प्राणवान करे ऐसा अर्थ प्रमुखता से ग्रहण किया गया है। तेज को प्राणवान करे, आयत इसे इंद्रपतिम तेज आनट, जो गत के लिए इच्छा के लिए इंद्रपति को, तेज को प्राणवान करे, जो समाज के नरों के अधिपति हैं, तेजस्वी हों, उनको गति प्रदान करने के लिए, सदिच्छाओं की पूर्ति के लिए प्राणवान करे। प्राणवान करने का भाव उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, सशक्त बनाए, ग्रहण करना चाहिए। शाब्दिक अर्थ तो हमें जानना ही है, धातु अर्थ, उसी के अनुकूल भावार्थ कर सकते हैं। जो हम कहते हैं कि भावार्थ में अंतर हो सकता है, धातु से बहुत दूर न जाए। अब प्राणवान करे ये तो शाब्दिक अर्थ है, तो जो हमने कहा प्राणवान करने का अर्थ यहाँ पर भावार्थ हम ले सकते हैं, प्रोत्साहित करे, सशक्त करे, ये भावार्थ आप चाहें तो न लें। प्राणवान करने का और कोई अर्थ आप लें तो सजीव तो पहले से है, निर्जीव तो है नहीं, और निर्जीव को प्राणवान किया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए ये प्राणवान को एक प्रकार से जैसे हम लोग
कहते हैं मुहावरे के रूप में ही प्रयोग करके हम कह सकते हैं उन्हें प्रोत्साहित करे, सशक्त बनाए, उत्साह बढ़ाए, प्राणवान करने का ये भावार्थ हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। सुचि रेतो निषिक्तम दो अभी के, सुचि सुचिता पवित्रता हम जानते हैं, सुचि धातु का अर्थ पवित्र करना, शुद्ध करना होता है, तो सुचि का अर्थ पवित्र, रेतो गति ज्ञान, क्योंकि री रे रे आदि धातुओं का अर्थ गतिशीलता से है और गत्यर्थक धातुओं में जानने प्राप्त होने का अर्थ जानने है ना, ज्ञान गमन प्राप्त का अर्थ निहित होता है, तो इस रूप में ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे मुख्य अर्थ री धातु का अर्थ गति करना, गमन करना, जाना है, तो गत्यर्थक धातु है, गति का अर्थ तो ग्रहण करेंगे ही, तो उसे गति प्रगति तो कह ही सकते हैं, ज्ञान विद्या के अर्थ में भी ग्रहण करते हैं रेतस को। तो पवित्रता प्रगति चाहे तो ज्ञान विद्या ले सकते हैं गत्यर्थक धातु होने के कारण, निषिक्तम अभिषिक्त, जो निषिक्त शब्द था केवल नि उपसर्ग के स्थान पर अभि उपसर्ग कर दिया तो अभिषिक्त हो गया, ये शब्द हमारा आपका बहुत परिचित हो गया, निषिक्त शब्द परिचित नहीं था, लग रहा था ये कोई नया शब्द है क्या, नि उपसर्ग है इस समय जो शब्द हमारे प्रयोग में प्रचलन में है वो अभिषिक्त है, उपसर्ग हो गया, परिवर्तित हो गया, धातु वही है तो मुख्य अर्थ तो वही हुआ, निषिक्त होना या अभिषिक्त होना एक ही बात हो गई, अभिसिंचन करना हम वही मान लें, अभिषिक्त निषिक्त अभिषिक्त, जिसका अभिषेक किया गया हो, अभिसिंचन किया गया हो, वो निषिक्त अभिषिक्त। द्यो प्रकाश, द्यो धातु का अर्थ अग्रसर होना है, द्युत धातु का अर्थ प्रकाश करना है, सामान्यता वेद में द्यु लोक द्यो प्रकाशमान के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसा सभी विद्वान मान रहे हैं, अर्थात द्युत धातु से द्यो शब्द की निष्पत्ति मानी जा रही है, हम चाहें तो द्यु अभिगमने धातु से इसका अर्थ ले सकते हैं, जिसका अर्थ अभिगमन करना, अग्रसर होना, आगे जाना, अग्रणी होना है, तो वह अर्थ धातु अर्थ बिल्कुल विशुद्ध है, हम ग्रहण कर सकते हैं, परंतु सामान्यता विद्वानों ने प्रकाश का अर्थ ग्रहण किया है, अर्थात द्युत धातु से इस शब्द की निष्पत्ति मानी है, तो वह भी ग्रहण कर सकते हैं। अब यह हम सब सभी पाठकों के विवेक पर आए कि आपको लगे नहीं भाई इसमें हमें तो द्यु धातु ही माननी चाहिए, या भाई विद्वानों ने द्युत धातु मानी है, प्रकाश का अर्थ किया है, तो हम स्वीकार कर लें, तो इसको लेकर के कहीं भी हमें ये जड़ता नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर यही वाला है, दोनों स्पष्ट हैं, दोनों अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, दोनों सकारात्मक और अच्छे अर्थ हैं, ले सकते हैं। अभी के निकट, इसे आप अव्यय के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अभी के निकट असमंतात सम्यक, अभी के अग्नि ही तो हम जानते ही हैं, अग गत्यर्थक धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है, अग्रणी प्रगतिशील इसका अर्थ हम सामान्यता करते हैं, अग्नि ही यह कर्ता कारक एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक अग्नि है, तो अग्नि का अर्थ यहाँ परमेश्वर तो हो ही सकता है, जो समाज के प्रमुख अग्रणी हैं उनको भी हम इस शब्द से ग्रहण कर सकते हैं, तो वह अग्नि ही जो है सर्धम, सर्ध को, सर्ध क्या है, सर्ध धातु है,
जिसका अर्थ है सहन करना, जीतना। सहन करना और जीतना का अर्थ विचारणा ही प्रतीत होता है। सहन करने की सामर्थ्य है तभी तो हम कुछ जीत सकते हैं। यदि हमें सहनशीलता या यूं कहें सहन करने की सामर्थ्य ही नहीं है, हम शरीर से या मन से किसी प्रकार से दुर्बल हैं, इसको नकारात्मक ही मत लीजिए, सकारात्मक लीजिए। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसका शरीर शक्तिशाली है आप यूं ही मान लें, वह बहुत से कष्ट या भार सहन कर सकता है। एक बालक शरीर से दुर्बल व्यक्ति उतना भार सहन नहीं कर सकता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि आप कहें उसमें सहनशीलता नहीं है, कह सकते हैं उसमें उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो हमें इस भाव से भी इसको ग्रहण करना चाहिए, जहां भी ऐसी बात आए, केवल यही नहीं। तो सर्धम का अर्थ बहुधा बल भी किया गया है, इसीलिए सहन शक्ति बल ये अर्थ भी लेते हैं। अनुबद्ध शब्द पर विचार करना हुआ, अन आ वद, अन उपसर्ग निषेध अर्थ में, आ उपसर्ग यह भी निषेध अर्थ में, अब वद आया। अवध जो बोलने योग्य नहीं है, अन अवध कि ऐसा नहीं है कि वो बोलने योग्य न हो, निषेध का निषेध कर दिया। निषेध का निषेध कर देंगे तो सकारात्मक हो जाएगा। आप कह सकते हैं यदि दोनों उपसर्ग न लगाते, केवल वध कह देते तो भी उसका अर्थ हो जाता बोलने योग्य, बिल्कुल हो जाता। तो यह शब्द रचना इस प्रकार क्यों की गई, अन अवध। हम कहते हैं अरे भाई अब इस पर क्या बात करें, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए, यह विषय यह बात यह टिप्पणी तो बात करने योग्य ही नहीं। कह रहे नहीं, ये अवध नहीं है, अन अवध है, अर्थात ये विचारणीय है, चर्चा के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति कोई विचार महत्वपूर्ण है तो कह सकते हैं ये प्रशंसनीय है, चर्चा योग्य है, इसका ये अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। यदि कोई अन्य अर्थ किसी की जानकारी में हो तो अवश्य चर्चा कर सकते हैं, स्वागत है। इसका इस प्रकार से अर्थ हमको करना हुआ है विचार करके। तो अग्नि सर्दम अनवद्यम युवानम, ऐसे युवानम युवा को देखिए, सर्दम अनवद्यम युवानम कर्मकारक एक वचन सभी चल रहे हैं तो सब एक साथ ग्रहण किए जाएंगे, एक दूसरे के विशेषण कहे जा सकते हैं। स्वाध्यम सु अध्यम, सु अध ई जो स्वाध्याय शब्द है या अध्याय शब्द, स्व अध्याय स्वाध्याय, स्व को हटा भी दें तो अध्याय, ये भी बहुत प्रचलित शब्द है अध्याय। अब अध्याय क्या है ये समझ लें, अध्याय में अधि उपसर्ग है और ई ए धातु है गत्यर्थक, गत के अर्थ में ई ए धातु होती है। तो अध्याय का अर्थ है अधि उपसर्ग के साथ गति का अर्थ है, अधिक गति। आप कहें हम तो स्वाध्याय करते हैं, यहां तो गति की बात कर रहे हैं, स्वाध्याय का अर्थ यहां तो कुछ पढ़ने से सीखने से है, हाँ है। तो स्वाध्याय करना या अध्ययन करना, अध्याय और अध्ययन, तो अध्ययन कहें या अध्याय कहें, अधि उपसर्ग ई ए धातु जिसका अर्थ है गत करना, जो भी हमने चर्चा की, जो गत के अर्थ वाली धातुएं हैं उनमें
जानना और पाना का अर्थ भी निहित होता है, गति तो होता ही, तो इसीलिए अध्याय का अर्थ होता है अधिकता से प्राप्त कर लेना। जब हम कुछ पढ़ते हैं गंभीरता से मन लगाकर पढ़ते हैं तो वो जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, इसी को अध्ययन करना कहते हैं। यही अध्याय है, स्वाध्याय है, अध्ययन है, यह हमें अवश्य जानना समझना चाहिए। अब स्वाध्यन कह दिया गया है तो अर्थ तो वही हुआ, स्वाध्यम, ये स्वयं में अध्ययन करने योग्य है ऐसा मान लें। अधि पूर्वक ही धातु पार्थ अध्ययन करना, इसमें कोई अर्थ नहीं किया गया, अधि ही अध्य तो बन ही जाएगा अध्ययन करना। अब अध्ययन करना शब्द हमारा परिचित है तो हम समझ गए इसका अर्थ ये हुआ, जिस प्रकार से यहां लिख दिया गया है अधि ई का अर्थ अध्ययन करना, ई का अर्थ तो गति करना है, अधि उपसर्ग के साथ अधि ई तो अध्ययन करना। अब अध्ययन करना एक विशेष अर्थ में प्रचलित है तो हमें समझने में केवल सुविधा हुई, से सब सामान्य है, कोई विशेष बात अलग से नहीं बताई जा रही ना। तो स्वाध्यम जनयत सुदयत क्या, जनयत उत्पन्न करता है, जन धातु उत्पन्न करना स्पष्ट है, सुदयत क्या, सुदयत क्या, सूद इसका अर्थ है टपकना, जिसे कहीं जल धीरे धीरे टपकता, टपकना झरना, एक ही बात है टपकना झरना तो हम समझ सकते हैं जल जैसे। इसके साथ अर्थ इसमें महत्वपूर्ण है आश्रय करना, शुद्ध करना, पवित्र करना का अर्थ भी है। तो झरना टपकना अर्थ लेकर हम अभिसिंचन कह सकते हैं, विद्या का अभिसिंचन करना और उस विद्या का आश्रय करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, ये सभी अर्थ सूद धातु से हम ग्रहण कर सकते हैं। सूदयत क्या, उत्पन्न करे, उसे पवित्र करे, आश्रय करे, इसको स्वाध्यम, स्वाध्याय को। इस मंत्र ने अंतिम चरण तक आते आते हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश स्वाध्याय का दिया, हमारे जीवन में स्वाध्याय का भाव उत्पन्न हो, जनयत सुदयत क्या, और यही स्वाध्याय हमारा आश्रय बने, हमें आश्रय प्रदान करे और इसी से हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो। इतने सुंदर भाव के साथ इस मंत्र की चर्चा को हम विराम दे सकते हैं। तो आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खं ब्रह्म। स्वामी जी, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि ये जो WhatsApp है उसमें एक नया फीचर आया है कि हम अपने जो स्क्रीन रहता है फ़ोन का उसको जो है शेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अपन को कोई वेद मंत्र शेयर करना है तो किसी के मतलब शेयर कर सकते हैं WhatsApp में, वीडियो कॉलिंग में। अच्छी बात है, ये आप लोग समझें आपस में और इसका सदुपयोग करें, हम यही कह सकते हैं। अभी हमको सीखने में हो सकता है समय लगे, तो नई सुविधा आप लोग सीखे समझे, उसका उपयोग करें, लाभ उठाएं, हम यही कह सकते हैं। ओ जी स्वामी जी। हाँ यही है कि हमसे अभी अपेक्षा न करें, आप लोग इसका सदुपयोग अवश्य करें।
और कोई बात हो तो बताएं। ओम। हाँ देख लीजिए, किसी का प्रश्न हो तो समापन भी कर सकते हैं। पुलकित जी, सीताराम जी, देखें जैसा उचित हो। प्रातःकाल अच्छी चर्चा हुई। ओम। जी स्वामी जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। गुरु जी, जो ईश्वर है वो कर्ता के साथ साथ कर्म भी हमने देखा है कई वेद मंत्रों में होता है, तो इसको थोड़ा सा समझाएंगे। भाई जी, इस प्रश्न को तभी समझा जा सकेगा जब वो मंत्र हो, अर्थात इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जब कोई मंत्र ऐसा आए तब वहां पर ये बताना कि यहां पर इस रूप में ये आया है तो इसको कैसे समझा जाए। जैसे ईश्वर को भजो तो ईश्वर को कर्म तो हो गया, ईश्वर को जानो यहां ईश्वर कर्म हो गया, तो इस प्रकार से हो सकता है। और कुछ विशेष होगा तो जहां आएगा वहां देखा जाएगा, ठीक है। ईश्वर गुरु जी नृप्रतिम, गुरु जी नृप्रतिम में भी तो द्वितीय विभक्ति है। नृपतिम, नृपति को, हाथ वही तो कहा जा रहा, नृपतिम में द्वितीय विभक्ति है, बिल्कुल है, इसे कैसे नकारा जा सकता है ना, बिल्कुल स्पष्ट है। तो नृपति को यही अर्थ अभी हमने किया भी है ना, इसे चतुर्थी में है, गत इच्छा के लिए उस नृपति को तेज प्राप्त हो, उसे प्राणवान करे। तो इसमें यह कह लें कि यहां पर नृपति का सीधा अर्थ परमेश्वर से ग्रहण करना, यह बात ठीक है, यह प्रश्न तुम्हारा यहां ठीक हुआ कि अब ईश्वर को हम क्या प्रोत्साहन प्रेरणा देंगे, तो नृपति का यहां पर भाव ईश्वर की अपेक्षा उपासक अधिक प्रतीत होता है, इसको ऐसा कह सकते हैं। अग्नि तो स्पष्ट आया ही है, कर्मकारक हो सकता है, द्वितीय विभक्ति हो सकती है, ये तो स्पष्ट कर दिया पहले ही, उसमें तो कोई भ्रम नहीं है, हो सकता है। परंतु जब यहां पर कहा नृपतिम में, तो निश्चित रूप से जो उसका पूरा अर्थ आ रहा है, तो ये नृपति को नरो नायकों प्रेरकों के अधिपति को, तो स्वाभाविक है इसमें परमेश्वर के उपासक अग्रणी देवजन अधिक प्रतीत होता है। ओम। ठीक है, तो करो समापन। जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों। ॐ योऽसो आदित्ये पुरुषः सोऽसो अहम्, ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ॐ योऽसो आदित्ये पुरुषः सोऽसो अहम्, ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदिते पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म।